आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि टू होमोजेनियस स्फीयर्स है पी और क्यू, और डिफरेंट मटेरियल्स क्या है, उसका मास कितना है, पी और क्यू का मास है 1 kg और 2 kg, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है और दोनों का रेडियस कितना दिया है 20 cm और 10 cm। तो जो पूरा सिस्टम होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कितना होगा, कहाँ से बताना है सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट कहाँ से करना है, पी के सेंटर से। ठीक है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना, देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या दिया दोस्तों, मास ऑफ पी दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है, और मास ऑफ क्यू कितना दिया हुआ है 2 kg, और रेडियस दिया हुआ है पी का 20 cm। 20 cm तो 0.2 meter, मीटर में कन्वर्ट किए तो, और रेडियस ऑफ क्यू दिया है 10 cm, इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.1 meter। तो कुछ ऐसा है, ये एक स्फीयर है और एक और ये स्फीयर, दोनों कॉन्टैक्ट में रखा गया है। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसका जो रेडियस है ये 0.2 meter, और इसका रेडियस कितना है 0.1 meter है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो सिस्टम है वो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होगा तो इसी लाइन पे। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि हम जो इसका है फर्स्ट पी क्यू का जो हम लोग को निकालना क्या है, पूरे सिस्टम का सेंटर मास, तो सिर्फ पी का जो सेंटर मास है मान लेते यहाँ पे। ठीक है, इस जो ओ पॉइंट है, इस जो ओ पॉइंट है ये ओ मान ले रहे हैं, ये ओ डैश मान ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन मान ले रहे हैं, 0.0 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो जो ये पी स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका सेंटर मास मान लेते हैं कि यहाँ पे। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे होगा तो क्यू का कहाँ पे होगा, क्यू का जो होगा सो जो एक्स टू होगा, एक्स वन मान ले रहे 0 है। ठीक है, तो एक्स टू क्या हो जाएगा, इसका सेंटर मास यहाँ पे पूरा यहाँ पे लाई कर जाएगा। ठीक है, तो 0.2 + 0.1 तो 0.3 meter, ये डिस्टेंस हो गया, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 0.3 meter। ठीक है, तो सिस्टम का सेंटर मास क्या होता है, तो सिस्टम का पूरे सिस्टम का सेंटर मास होता है m1 × x1 + m2 × x2 / m1 + m2। ठीक है, x1 क्या हो गया, m1 का सेंटर मास, x2 हो गया m2 का सेंटर मास। ठीक है, तो यहाँ सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, xcm क्या हो गया, m1 दिया हुआ है, m1 कितना दिया हुआ 1 kg × x1, हम लोग माने खुद से कि हाँ ओरिजिन पे लाई कर रहा है, 0 + m2 क्या हो गया 2 kg × x2 क्या हो गया 0.3 / m1 + m2, मतलब 1 + 2। पूरे सिस्टम का सेंटर मास कहाँ पर आ गया दोस्तों, xcm आ गया 0.2 meter। ठीक है, और 0.2 meter कहाँ से हो गया, p से हो गया, p से 0.2 meter के डिस्टेंस पे हो गया। ठीक है, 0.2 meter के डिस्टेंस, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। ये क्या है दोस्तों, यही जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मीन्स इस पूरे जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। हम लोग कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 million से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।